एडमिशन अगर आप लेना चाहें, अभी 2022 दिसंबर चल रहा है तो अभी अगले सेशन से एडमिशन लेना चाहें तो प्रक्रिया क्या है कि अभी एडमिशन फ्री कर दिया गया है, जहां और सारे स्कूल 2,000, 5,000, 10,000 अपना फी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये है कि हमारे यहां हर तरह के बच्चे हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज विश्व विजय कुमार, आई एम डायरेक्टर एनसीओ ऑफ अध्ययन पब्लिक स्कूल, जो कि महापुर में स्थित, सिवान के महापुर में स्थित है। यहाँ पे जो अध्ययन पब्लिक स्कूल है, जो कि 2022 में फरवरी के महीने में शुरू किया गया महापुर के अंदर, जहाँ कि हम लोग का ये जो सोच था महापुर के अंदर की जो बच्चों के अंदर एक अच्छी शिक्षा देनी है, जो हमारे टीचर्स हैं उनका बातचीत से, जो ड्रेसिंग सेंस है, हर चीज़ में वो चीज़ बेहतर है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक ऐसे स्कूल में जहां पे शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यहां पे बच्चों को काफ़ी बेहतर शिक्षा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक डायरेक्टर सर, जिस स्कूल के डायरेक्टर हैं अध्ययन पब्लिक स्कूल, जो RK मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। और बात करेंगे यहाँ पे व्यवस्था है जिस तरह से, उस व्यवस्था के बारे में, सुविधा के बारे में और इस स्कूल के बारे में हम जानने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे जो तमाम पब्लिक है, जनता है, जो परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों को सही दिशा में सही शिक्षा प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज हम प्रदान देना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को सही शिक्षा के लिए आप इस स्कूल में आ सकते हैं और बेहतर एडमिशन करा सकते हैं। जुड़े हुए हैं यहाँ के डायरेक्टर सर, जो कि अध्ययन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम विश्व विजय कुमार हुआ। जी सर, अध्ययन पब्लिक स्कूल की खासियत क्या है? यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिला कराना चाहते हैं, तो जी उन बच्चों को, उन फैमिली को, उन परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, अवश्य करा सकते हैं। हमारे यहाँ जो चाहते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, हर तरह की हम यहाँ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जैसे कि बच्चे, पेरेंट्स कुछ होते हैं सोचते हैं कि बच्चा मेरा छोटा है पर क्या वो कंप्यूटर चलाना सीख जाए, तो वो चीज़ हमारे पास है। बच्चा मेरा छोटा है तो क्या वो अच्छी चीज़ों को समझे, तो हमारे यहाँ बच्चों को तो पढ़ाया लिखाया जाता है प्लस स्मार्ट क्लास की सुविधा है, जिसे बच्चे देख कर सीखते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ सुनकर और देख के जल्दी सीख जाते हैं, तो स्मार्ट क्लास की सुविधा है। हमारे यहाँ खेलने के लिए बच्चों के अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, अलग अलग सारे खेलने के इक्विपमेंट है हमारे यहाँ स्कूल के अंदर। फिर हम जी अध्ययन पब्लिक स्कूल का नाम आपने जो रखा हुआ है, अध्ययन पब्लिक स्कूल ही क्यों रखा आपने? जी अध्ययन पब्लिक इसलिए रखा है कि चीज़ों को अध्ययन पब्लिक स्कूल के अंदर हम जो सारी चीज़ों को करते हैं वो काफ़ी बारीकी से गहराई में जाकर उसका अध्ययन करते हैं, फिर उन चीज़ों को करते हैं जिससे उससे अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। बात करेंगे सर वर्क व्यवस्था की, तो यहाँ पे कितने क्लास तक, कितने क्लास स्टार्टिंग है और कितने क्लास तक बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? जी, नर्सरी से 10th तक के बच्चे हमारे एडमिशन ले सकते हैं हमारे अध्ययन पब्लिक स्कूल, जो कि महापुर में मेन ब्रांच इसका स्थित है। इसमें सुविधाएं की बात करेंगे सर, सुविधा क्या क्या दिया जा रहा है? जी, सुविधाएं हमारे यहाँ जो है कि परीक्षा, बच्चे जो आते हैं तो ऐसा चीज़ है कि बच्चे किस प्रकार है, पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि ना मेरा बच्चा 3 क्लास में एडमिशन कर लीजिए, 4 क्लास में कर दीजिए, लेकिन हम लोग पहले टेस्ट लेते हैं कि बच्चा किस क्लास के काबिल है, क्या बच्चा उस क्लास में एडमिशन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है, नियमित रूप से वर्ग प्रतियोगिताएँ होती है, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है, नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है, शिक्षक छात्रों का अनुपात 1:20 है, शारीरिक शिक्षाएँ भी दी जाती है, म्यूजिक लैब की सुविधा है, साइंस लैब की सुविधा है, कोच द्वारा कंप्यूटर खेलकूद की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है, उर्दू, अरबी और संस्कृत, जो कि हमारे यहाँ इन सारे सब विषयों की सुविधा है। उत्तम योग्यताधारी, अनुभवी, योग्य शिक्षक हमारे विद्यालय में हैं। कमजोर छात्रों के लिए अलग से क्लास चलाए जाते हैं और सुरक्षित एवं विश्वसनीय, मतलब एकदम अच्छा परिवहन की व्यवस्था है। तो आपके यहाँ अभी जैसे कि आपकी पोस्टर मैंने पर दिखा लिखा हुआ था कि पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। जी पंजीकरण जी और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था रखे हुए जी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। नामांकन की बात करें तो नामांकन फ्री चल रही है क्या? जी नामांकन हमारे यहाँ फ्री है हमारे विद्यालय के अंदर अभी। अच्छा, आपके पोस्टर पर और भी लिखा था कि जैसे कि बच्चे बहुत सारे गाँव देहात के आते हैं, जैसे आपका जो स्कूल है महापुर क्षेत्र में, और तो
पहले पंचायत में था, नगर वार्ड में आते जी 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 बिल्कुल, लेकिन आसपास का जो एरिया है अभी भी पंचायत में है, गांव में है, और यहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए आपने जो कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं जी जी, उनके लिए कोचिंग सेंटर, क्योंकि गाँव के बच्चे बहुत ज्यादा ही वीक होते हैं, तो उनके लिए अलग से कोचिंग की सुविधा हम लोगों ने यहाँ पे करी हुई है। तो अध्ययन क्लासेस कोचिंग सेंटर नाम है जी जी, अध्ययन क्लास कोचिंग सेंटर। चलिए, क्या अपील करेंगे यहाँ के परिवार के, यहाँ फैमिली के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे कि अपने बच्चों को किस तरह से यहाँ पे एडमिशन कराएं और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, तो हम लोग के जो विद्यालय अध्ययन पब्लिक स्कूल है, हर एक तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। हम लोग तो मंथली जो होता है पेरेंट्स से एक फीडबैक लेते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या हम लोग जो आपके बच्चों को दे रहे हैं वो चीज़ें सही हो रही कि नहीं हो रही है, जो आपके बच्चे सीख रहे हैं या फिर आपके कोई कंप्लेन है कि नहीं है, हम अपने विद्यालय में और नया क्या करें, इसके लिए हम लोग जोर शोर से काम करते हैं, पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स ऐसा होता है कि चाहता है कि मेरा बच्चा ये चीज़ सीखे लेकिन मेरे बच्चा के विद्यालय में ये चीज़ नहीं है, तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं उन चीज़ को अपने विद्यालय के अंदर। सिवान जिला में महपुर तरवारा रोड सिवान में अध्ययन पब्लिक स्कूल ओपन हुआ है और यहाँ पे एडमिशन चालू है, और एडमिशन की बात करें तो एडमिशन फ्री चल रहा है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो आरंभ हो चुका है। आप यहाँ पे अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप यहाँ पे अच्छे तालीम के लिए अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, तो आज ही संपर्क कीजिए अध्ययन पब्लिक स्कूल, जो कि आरके मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित है, वर्ष व्यवस्था खेल ग्रुप से नवीं तक है, और भी सुविधाएँ जो तमाम तरह की सुविधा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ का जो नंबर है आप नोट कर सकते हैं, 9852705090 समाज के जी 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 आपके लोगों के लिए जी जी, आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके कंसल्ट में, आपके चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके कंसल्ट में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, तो वैसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री सुविधा उपलब्ध है। वैसे जो बच्चे की बात करें तो सर उनका एजुकेशन, उनका कॉपी किताब, लैब या जो भी चार्जेबल है वो सब डिस्काउंट है जी जी, हमारे विद्यालय में सब चीज़ फ्री कर देंगे, उन बच्चों के लिए हम टोटल फ्री कर देंगे, जो बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं हैं उन बच्चों के लिए हमारे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो चीज़ें बिल्कुल। एक और चीज़ है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ बच्चे एक्टिविटी करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन करते हैं, दिखाते हैं YouTube के माध्यम से, जो हमारे YouTube चैनल अध्ययन पब्लिक स्कूल के नाम से हमारा YouTube चैनल है, जिससे पेरेंट्स भी उन बच्चों को अपने देखते हैं और उनको खुशी होती है कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। धन्यवाद।